हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएफओ इंटरनेट में। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई होती हैं, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, एसआई के 1876 पदों पर भर्ती को आवेदन जो है शुरू कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के 2023 एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन शनिवार को शुरू हो गया है। विज्ञापन में 1876 संभावित रिक्तियां बताई गई हैं जो घटिया बढ़ सकती हैं, तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग आवेदन कर लें। आगे बढ़ते हैं, लोक सेवा आयोग के खिलाफ गवाही देने को तैयार हुए थे छात्र, 3 साल पूर्व तैयारी छोड़ी, अब बुला रही है सीबीआई। 3 साल बाद जो है अब जांच के लिए गवाही देने के लिए बुला रही है, इसको देख लीजिएगा आप लोग डिटेल में। और नए 300 पदों का आया अध्याचन, पुरानी एपीएस भर्ती का पता नहीं, अभ्यर्थियों का आरोप कोर्ट में प्रभावी पैरवी नहीं कर रहा है यूपीपीएससी। आगे बढ़ते हैं जो, और देखिए इसमें क्या है, एलटी ग्रेड भर्ती का इंतजार, सौंपा ज्ञापन, और कुछ ज्ञापन आ भी गया है। नया अध्याचन लेकर मांगी जीआईसी एलटी व प्रवक्ता भर्ती, तो भर्ती ये आ सकती है जीआईसी की। अब देखिए, आउटसोर्सिंग से होने वाली थी लेकिन अब क्या हो सकता है, अब जिस प्रश्न पत्र में फेल उसी की परीक्षा देंगे सीए के छात्र। चार्टर्ड अकाउंट संस्थान ने अपने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। आगे बढ़ते हैं, महिला प्रवक्ता के 697 पदों पर मिलेगी पदोन्नति, और उत्तर प्रदेश अधीन शिक्षा सेवा की ओर से इसको जो है वेतन क्रम में मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, 1 दशक बाद भी अधूरी है एपीएस की भर्ती, और 300 पद पे नया अध्याचन जारी हो चुका है, और मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड की प्रवेश परीक्षा पत्र जारी हो चुका है। अब इसका एग्जाम होने वाला है, 1100 सीटों पर होंगे प्रवेश। आगे बढ़ते हैं, एलयू में दाखिले के लिए 76 देशों के 1465 छात्रों ने किया है पंजीकरण। और जॉब्स अपडेट में देखिए, प्रवक्ता के इंटरव्यू अगले सप्ताह में होने वाले हैं, जो आयुष होम्योपैथिक की होने वाली थी भर्ती। आगे बढ़ते हैं, इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट की जो परीक्षा थी कल, 94% लोगों ने परीक्षा दी, और 10 शहरों में बीएड प्रवेश परीक्षा 5 को होने वाला है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का। और 30 जून व 31 दिसंबर को रिटायर तो दें नोशनल इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।